मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक परिवार ने अपने पालतू कुत्ते को अनोखे अंदाज में विदाई दी और हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक परिवार ने अपने पालतू कुत्ते के मरने के बाद उसे ऐसी विदाई दी कि लोग देखते रह गए। कुत्ते के अंतिम संस्कार के लिए हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक चिता सजाई गई और नम आंखों से उसे अंतिम विदाई दी गई। बताया गया कि नर्मदापुरम के सक्सेना परिवार ने 4 साल पहले कुत्ता पाला था, जिसे कुछ दिनों पहले इन्फेक्शन हो गया था और उसी इन्फेक्शन के चलते उसकी मौत हो गई। सक्सेना परिवार ने अपने पालतू कुत्ते को बचाने की तमाम कोशिशें की थी, लेकिन इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाने की वजह से वो उसे नहीं बचा पाए। ऐसे में उसे यादगार बनाने के लिए परिवार ने उसे अनोखे अंदाज में विदा किया। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर मारपीट की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें सुरक्षा गार्ड और एक भक्त आपस में भिड़ते हुए नजर आए, जिसमें एक दूसरे पर जमकर वार किया गया। जो तस्वीरें आईं, उसमें सफेद कपड़ा पहने भक्त को सुरक्षा गार्ड बुरी तरह से पीटते दिखे। काफी देर तक ये मारपीट होती रही और इस बीच कुछ पुलिस वाले भी दिखे जो छुड़ा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। नजर आए, इसके बावजूद भी सुरक्षा गार्ड दो श्रद्धालुओं को पीटते रहे। पिटाई का ये वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। मंदिर परिसर में मारपीट का ये पूरा ड्रामा बाकी श्रद्धालु तमाशबीन बनकर देखते रहे, लेकिन किसी ने पिट रहे श्रद्धालु को बचाने की कोशिश नहीं की। पुलिस अब सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। भोपाल में 3 महिलाओं ने बुर्के की आड़ में एक दुकान में चोरी की और 27 अंगूठियों से भरा हुआ एक बॉक्स चुराकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के भोपाल से बुर्के की आड़ में चोरी करने का एक अनोखा मामला सामने आया, जिसमें 3 महिलाएं बुर्का पहनकर एक गहने की दुकान में गई और अंगूठियों से भरा एक पूरा बॉक्स चुराकर फरार हो गई। चोरी का वीडियो सामने आया, जिसमें नजर आया कि किस तरह गहने देखने के बाद महिलाएं दुकान में घुसी और फिर जब दुकानदार महिलाओं को गहने दिखाने में व्यस्त हो गया तो उनमें से एक महिला ने बड़ी ही चालाकी से अंगूठियों से भरा एक बॉक्स उठा लिया और फिर मौका पाते ही उसे अपने बैग में रख लिया। दुकानदार के मुताबिक बॉक्स में करीब 27 चांदी की अंगूठियां थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली। चोरी करने वाली 3 महिलाओं ने बुर्का पहना हुआ था, ऐसे में उनकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पुलिस ने महिलाओं की तलाश शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पुलिस कांस्टेबल का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें वो शराब के नशे में धुत होकर हंगामा करता हुआ नजर आया और सरेआम वर्दी को शर्मसार किया। वर्दी पहने शराब के नशे में चूर सिपाही को देख इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। लोग नशे में लड़खड़ाते पुलिस के इस जवान का वीडियो बनाते दिखे। सिपाही नशे की हालत में कभी बेंच पर बैठने की कोशिश में गिरता गिरता बचा तो कभी जमीन पर बैठकर अपने कपड़े उतारते दिखे। वीडियो में दिख रहा सिपाही इस कदर नशे में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वीडियो में सिपाही के पास एक लड़का भी दिखाई दिया जो कई बार उसे गिरने से बचाता दिखा। जब सिपाही जमीन पर बैठकर वर्दी उतारने लगा तब भी लड़का उसे ऐसा करने से मना करता रहा, लेकिन नशे में पूरी तरह डूबे सिपाही ने एक झटके में वर्दी उतारकर फेंक दी। उसके बाद भी उस लड़के ने सिपाही की वर्दी उठाई और उसे वापस लाकर रखा। SP ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया। साथ ही बताया गया कि सिपाही का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कई बार काउंसलिंग कराई जा चुकी है।